नमस्कार प्यारे साथियों, अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। MD2 रीडर पब्लिकेशन पे फिर से आपका एक बार तहे दिल से, जो हमने Part 1, Part 2, Part 3 जो वीडियो डाली हैं उस पे आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है, और ऐसे ही आप बने रहिएगा। और जो वीडियोस हम डाल रहे हैं दिन प्रतिदिन, ऐसे ही आगे भी और बहुत सारी वीडियोस हम जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है या फिर जीव विज्ञान से रिलेटेड है, वो हम आपको दिन प्रतिदिन वीडियो अपलोड की जा रही हैं चैनल पर, और आप आनंद लेते रहिए और घर से बाहर ना निकलिए ताकि कोरोना वायरस से आप बचे रहें। और चलिए, आज हमारा टॉपिक है Part 4 पे बात करते हैं, अंत तक वीडियो से जुड़े रहें। बस GS जो हमारी है उसको बार बार रटना नहीं होता, बस उसको हम धैर्य से सुन लें तो उससे हमारा काम चल जाएगा। वीडियो को एक या दो बार हम देख लेते हैं तो अच्छे से हमारा क्या है, कोई भी क्वेश्चन CGL, SSC या फिर HSSC या फिर कलर्क, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, कहीं पे भी हाँ से एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। हमारा आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। जो दर्रे हैं उनसे बात करेंगे आज हम, सीधे ही क्वेश्चन की फॉर्म में है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये पूछ लिया जाएगा। या फिर ये पूछ लिया जाएगा, जोजिला दर्रा किन किन शहरों को या फिर किन किन को जोड़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी आपको बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर में अभी जो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख हमारा क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है, जम्मू श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह को जोड़ता है, लेह लद्दाख जो हमारी है उसको जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, नथुला और जयपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये हमारा सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम कहाँ पे पड़ता है, सिक्किम किसके साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम हमारा भूटान, नेपाल और चीन के साथ क्या है, सीमा साझा करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे है, तुजुर्ग दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तुजुर्ग जो दर्रा है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है, जो हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, किस पर्वतीय भाग में स्थित है, ये हमारा है अरावली पर्वत जो श्रेणी है उसमें स्थित है भैया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है भाई। जो पाल घाट दर्रा है पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, तमिलनाडु और केरल को ये अब जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, ये भाई पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, पहले भारत और पाकिस्तान क्या थे, एक ही साथ थे, तो आज़ादी से पहले की बात है ये, तो ये किस में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। जैसे हमारा CPO है, CGL है, ऐसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सिपकिला, बारला और पांचला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बारालाचा दर्रा और पांचला दर्रा, सिपकिला ये हमारा क्या है, हिमाचल में पड़ता है, और एक हिमाचल में हमारा रोहतांग दर्रा भी पड़ता है, तो हम देखेंगे उनको धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुजरील दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं पढ़ रहा हूँ, बुजरील दर्रा किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, नाथुला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। नाथुला दर्रा, देखिए भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, नाथुला दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हम, सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है, सतलुज नदी घाटी में, ये क्या है, पड़ता है। जो हमारी सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ पे मैं पॉइंट और बता देता हूँ, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमारी राक्षताल से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ज्वार सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है, बेनिहाल दर्रे को क्या किसका नाम दे दिया गया है, ज्वार सुरंग का नाम दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, थाल घाट दर्रा क्या है, नासिक और मुंबई को जोड़ता है थाल घाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, थाल घाट और पाल घाट, भोरा घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था, खैबर,
खैबर कहाँ पे है? अभी देखो, हमने अभी पढ़ा था खैबर ऊपर चलिए किस किस को जोड़ता है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या है जोड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में क्या है ये हमारा दर्रा पड़ता है। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? ये है कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी कहाँ पर पड़ती है? हमारी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। चलिए बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को क्या है आफिल दर्रा जोड़ता है। चंगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख और तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, दिहांग दर्रा किस राज्य में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिहांग दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और दिहांग देखिए, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के वहाँ से एक नामचा बरवा पर्वत भी पड़ता है, जहाँ से हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तीखा मोड़ खाती है, उसके बाद क्या है हम अपने अरुणाचल प्रदेश में क्या है प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में पड़ता है? देखिए, मैंने अभी पहले ही बताया था कि रोहतांग दर्रा भी क्या हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये रोहतांग दर्रे से हमारी कौन कौन सी नदी निकलती है? रावी और व्यास नदी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, उसके पास से ही निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, थंगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। 24 क्वेश्चन है, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो तो हमारा जोड़ता है पीर पंजाल जोड़ता है। उसके बाद देखिए, मैं दोबारा से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो दर्रे हैं कई बार जो क्वेश्चंस में पेपर में पूछे गए हैं उनके बारे में मैं दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये किस से जोड़ता है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, तो इसको हम बार बार देख रहे हैं, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, जम्मू और कश्मीर, देखिए जो दर्रे हैं यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका रहने वाला नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन 24 है, 24 में से एक आध क्वेश्चन भी जो आपका पेपर में आता है एक या दो नंबर में जो यहाँ से पूछ लिया जाता है वो आपका यहाँ से रहने वाला नहीं है। तो हमारा जो जिला दर्रा क्या है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नथुला दर्रा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सिक्किम में पड़ता है जो। उसके बाद हमारे देखिए अभी खैबर दर्रा कहाँ मैंने बताया CGL CPO जो हमारी ग्रेजुएशन बेस पे जो जॉब है तो उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। ज़्यादातर हमारा जो नथुला दर्रा है, जो जिला दर्रा है, खेबर है, पालघाट है और जवाहरलाल सुरंग का नाम किस दर्रे को दे दिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले उसको क्या किस नाम से जानते थे, जवाहर सुरंग के नाम से जानते थे, अब उसको क्या दे दिया है, बैनिहाल दर्रे के नाम से उसको क्या जाना जाता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको कई बार हमने पिछले एग्जाम में जैसे हरियाणा में भी कई बार ये पूछा गया है और जो हमारा SSC CGL CHSL है उसमें भी ये कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है, नासिक और मुंबई को जोड़ता है। उसके बाद है थालघाट और पालघाट और भोरघाट दर्रा किस पर्वत माला में स्थित है, पश्चिमी घाट में है। आर्यो ने किस दर्रे से ऑगर प्रवेश किया था, ये हमारा किससे हो गए आए थे भैया, खैबर। खैबर किससे था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। और कहाँ पर पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए मैंने दोबारा से रिपीट किया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, कराकोरम श्रेणी में क्या है स्थित है। उसके बाद हम फिर से देख लेते हैं आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, ये भी, क्योंकि भारत और चीन का थोड़ी ही आपस में थोड़ा जो मित्रता संबंध है वो थोड़े ठीक नहीं है, इस कारण से आफिल दर्रा जो भारत और चीन के बीच में है ये भी ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि ये ऐसी जो हमारी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आजकल पुटअप करने लग गया है जो कि हमारे करंटली उस पर कुछ इशू होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन पुटअप कर लेता है वो जो एग्जामिनर है। उसके बाद देखिए दिहांग दर्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा दिहांग दर्रा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में क्या है ये अपना जो दिहांग दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में, हिमाचल में पड़ता है। रावी और व्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप रावी पूछोगे रावी का उद्गम स्थल कहाँ है या फिर व्यास नदी का पूछोगे कहाँ है तो रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है, वहाँ पे भी क्या है रोहतांग दर्रे का जिक्र आता है। तो उसके बाद है
थांगला दर्रा कहाँ स्थित है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों पूछ लिया जाएगा, क्योंकि लेह लद्दाख के अलग से बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर जो अपना है वो अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, पीर पंजाल हमारा क्या है दर्रा क्या है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अभी देखिए जो आपने क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ा है, जम्मू को श्रीनगर से दर्रा जोड़ता है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछले 2 ईयर पहले ही ये क्वेश्चन रिपीट आउट हुआ था, 2 या 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट आउट हो चुका है पीर पंजाल। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको जिस भी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद जय भारत।